गुड इवनिंग आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है रिवांचल की शान। लोग कई नामों से इसको जानते हैं, कोई इसे रीवा एक्सप्रेस कहता है, कोई इसे रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कहता है, कोई इसे रिवांचल एक्सप्रेस कहता है। तो आज की हमारी जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है, जो कि चलती है आनंद विहार से रीवा टर्मिनल के बीच में। ये तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से, और सारी बातें सफ़र के दौरान ही करेंगे। ये रहा हमारा आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, और यहाँ से मेट्रो की दूरी मात्र 500 मीटर का वॉक भी नहीं होगा। और ये देखिए, जो आपको सामने गैंगवे दिख रहा है, ये डायरेक्ट आपको मेट्रो स्टेशन ले जाएगा। और मेट्रो स्टेशन पे आप पिंक लाइन या दिल्ली के ब्लू लाइन में बोर्ड कर सकते हैं, और वहाँ से जहाँ भी आपको जाना हो आप जा सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, क्योंकि घड़ी में 9:50 हो चुके हैं। स्टेशन पर चेकिंग कराते साथ ही ये देखिए, ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एरिया, और यहाँ पर वेटिंग हॉल और बैठने की फैसिलिटीज़ हैं। और सामने हमारी खड़ी है आनंद विहार टर्मिनल रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन का आनंद विहार टर्मिनल से डिपार्चर होगा 10:05 पे, और ये ट्रेन 849 किलोमीटर का सफ़र तय करके, जिसमें ये ट्रेन 12 हॉल्ट पर रुकते हुए कि पहुँचेगी रीवा अगली सुबह 11:20 पे। ट्रेन दिल्ली से निकलते साथ ही सबसे पहले इसका स्टॉप होगा दिल्ली NCR यानी गाजियाबाद जंक्शन पर। उसके बाद ये ट्रेन अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, डभूरा, मानिकपुर होते हुए ये पहुँचेगी सतना, जहाँ पे इसका लोकल रिवर्सल होगा, और उसके बाद ये ट्रेन रीवा टर्मिनल पे पहुँचेगी। तो चलिए अब चलते हैं ट्रेन के अंदर, और इंटीरियर वगैरह मैं आपको ट्रेन का सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रात में दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे लोग सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आराम से सुबह इंटीरियर वगैरह देखेंगे। अभी ये बहुत ही यूनिक स्टॉप पर रुकती है, जहाँ पर मोस्टली ट्रेनों को अवॉइड किया जाता है रुकने के लिए, बट इस ट्रेन को रोका जाता है। उसके बाद भी दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन के बीच में इसकी एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है। सो काफ़ी हायर प्रायोरिटी ट्रेन है, और इसका नाम काफ़ी मैंने सुना है। इनका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा है, ये देखिए इसका वॉश बेसिन वगैरह सब साफ सुथरा है। देन ये इसका डस्टबिन, और ये है यहाँ कोच अटेंडेंट का सोने के लिए। ये देख सकते हैं हम अंदर कितना रश है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि इंटीरियर वगैरह मैं आपको सीधा सुबह दिखाऊँगा। करेक्ट 10:05 पर हमारा डिपार्चर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है गाजियाबाद जंक्शन, जिसे मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि उसे मैं ऑलमोस्ट हर ट्रेन में कर चुका हूं कवर। रात के 11:45 हो रहे, और हम आ चुके हैं अपने सेकंड हॉल्ट अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन की यहाँ एक्चुअल टाइमिंग थी 11:30, बट यहाँ पर ट्रेन का अराइवल हुआ है 11:45। अलीगढ़ फेमस है अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो तालों का बिजनेस ही होता वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अभी रात के टाइम पे स्टेशन काफ़ी सुन सनाटा है, लेकिन यहाँ से काफ़ी ट्रेनें मोस्टली स्किप्स लेती हैं, बट काफ़ी ट्रेनों का यहाँ हॉल्ट भी दिया जाता है। मॉर्निंग आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। तो रात में अलीगढ़ क्रॉस करते साथ ही मेरी आँख लग गई थी, तो तकरीबन 5 घंटे की नींद लेने के बाद मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और अभी हम फिलहाल पहुंचने वाले हैं सिराथू रेलवे स्टेशन, जो सुबह के 5:12 हो रहे हैं। और इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के सिराथू रेलवे स्टेशन पर। सिराथू रेलवे स्टेशन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहां पे सुपरफास्ट ट्रेनों को हॉल्ट दिया गया है। तो ट्रेन का अब यहां से 60 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होगा टिल प्रयागराज जंक्शन, तो सोच रहा हूं उसमें भी मैं एक नींद ले लूं। राइट नाउ अभी हम बमरौली रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रहे हैं। प्रयागराज का एयरपोर्ट यहीं बमरौली में ही सिचुएटेड है, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा है। यहाँ पे लेनन वगैरह की सर्विस शुरू हो चुकी है,
और ओवरऑल ISO सर्टिफाइड ट्रेन है, तो ये देख सकते हैं आप पूरी क्लीन है। और यहाँ पे देखिए कर्टन वगैरह भी जो है काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। और ट्रेन में आपको इधर देखिए एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, ऊपर चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, देन इधर इधर, सो ओवरऑल काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये देखिए ट्रेन को ऑलमोस्ट इतनी लंबी जर्नी हो चुकी है फिर भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। इस वक्त हम सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन को प्रयागराज जंक्शन का एक अल्टरनेटिव रेलवे स्टेशन के तौर पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जितने भी नॉर्थ बाउंड ट्रेनें हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। और हाल ही फिलहाल में यहाँ की पिट लाइन बनके भी तैयार हो चुकी है। बेहद ही खूबसूरत मौसम है और अभी आप देख रहे होंगे सामने ये है प्रयागराज जंक्शन का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रिप शेड। और मौसम देखिए कितना हसीन हो रखा है। तो सुबह के 6:10 हो रहे हैं और हम आ चुके हैं संगम सिटी यानी प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और ट्रेन की यहाँ एक्चुअल टाइमिंग थी 6:10 पे ही, और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और प्रयागराज से पहले जो खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिले ना, सच बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम प्रयागराज जंक्शन पर इतना खूबसूरत अराइवल रिकॉर्ड किया है। उन्हें पसंद आया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएँ। और ट्रेन यहाँ से 6:15 पर रवाना हो गया, और यहाँ से हम दिल्ली हावड़ा मेन लाइन को छोड़ के हम हावड़ा मुंबई मेल लाइन को पकड़ने वाले हैं, जो कि हावड़ा प्रयागराज होते हुए मुंबई तक जाता है, लेकिन उसमें हम सतना तक ही जाने वाले हैं। ये देख लीजिए इस ट्रेन का भी कितनी यूनिक सी बात है ना, पहले दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे चलती है, देन ये हावड़ा मुंबई मेन लाइन पे चलती है, तो मेन लाइन पे इसका सिलसिला जारी रहता है और लास्ट में ये सतना से रीवा के बीच में ब्रांच लाइन पे चलती है। प्रयागराज जंक्शन को तो किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हिंदू हैं तो जानते हैं संगम सिटी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती तीन नदियों का मिलन होता है। सरस्वती एक काल्पनिक नदी है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में उस तीनों नदियों का माता के रूप में माना जाता है। सुबह हो रहे हैं तो जानते हैं यार नॉर्थ इंडियन को चाय तो पीनी पड़ती है, तो चले चाय लेने के चलते हैं कहाँ हमें मिलती है चाय। और जो ट्रेन की क्लीननेस वगैरह मेंटेनेंस वगैरह ना, वो मतलब ओपी मानना पड़ेगा, क्यों इसे ISO सर्टिफाइड ट्रेन कहते हैं। एक चाय, ये देखिए हमें प्रयागराज में कितना बड़ा चाय का कप मिला है मात्र 10 रुपये में। वाह, और ये जो चाय का कप है ना वो देखिए कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 160 ml से भी ऊपर है। और ये देख सकते हैं आप, अगर आई डोंट नो कि आपको वीडियो में सही से दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो, बट मेरी नज़र में तो जैसे ऑनबोर्ड पेंट्री में वो दो कप की जो चाय नहीं देते हैं वो एक लौते एक कप में, और इसका प्राइस भी सेम हमें 10 रुपये ही पड़ा है। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट भी कर ही लेते हैं। टेस्ट तो अच्छा है यार इसका, काफ़ी मानना पड़ेगा। और बारिश का मौसम हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो और चाय मिल जाए, जन्नत तो इसे ही कहते हैं। सही बताऊँ तो जो मज़ा आया ट्रेन जर्नी बारिश में करने का है ना, वो किसी और सीज़न में करने में आता ही नहीं है। सर्दी में आप रहेंगे तो यार ठिठुरन सी होती है, गर्मी में आप जानते हैं पसीने, लोहे की जो हमारी पकड़ने वाली रॉड होती है वो गर्म हो जाती है पूरी, लेकिन बरसात में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से चलते रहिए, चाय वाय पीते रहिए और सफ़र को जारी रखिए। 6:26 हो रहे हैं और हमारा डिपार्चर प्रयागराज जंक्शन से हो चुका है। प्रयागराज जंक्शन से एक नहीं दो नहीं टोटल 7 रूट्स निकलते हैं, जिनमें से आप 3 रूट से तो बनारस जा सकते हैं। चलिए मैं आपको आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की फेयर की पूरी जानकारी दे देता हूँ। आनंद विहार से रीवा तक का आपका स्लीपर क्लास का इसका फेयर पड़ेगा 465 रुपीज़। यही फेयर आपको थर्ड एसी में पड़ेगा 1215 रुपीज़, और
सेकेंड एसी में ये फेयर आपको पड़ेगा अराउंड 1750 रुपीज़ के करीब, और फर्स्ट एसी में ये फेयर पड़ेगा आपको 2900 रुपीज़ के करीब। ट्रेन में जनरल सर्विस शुरू हो चुकी है, तो अगर आपको जनरल में जाना होगा तो वही फेयर आपको पड़ेगा अराउंड 250 से 300 रुपीज़ के बीच में। और ट्रेन में बेडरोल वगैरह की सर्विसेज भी शुरू हो चुकी हैं, तो ट्रेन में बेडरोल वगैरह आपको मिलेगा, तो घर से आपको कंबल वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शंकरगढ़ पहुँचते पहुँचते एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दे दी है, और यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नगर पंचायत टाउन शंकरगढ़ में। ट्रेन के यहाँ एक्चुअल टाइमिंग थी 7:19, और यहाँ पे ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा डिले आई है। स्टेशन कोड है यहाँ का SRJ, और शंकरगढ़ में क्योंकि फर्टाइल लैंड कम है, तो यहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन का मेन ऑक्यूपेशन है वो है माइनिंग, और साथ ही साथ स्टोन क्योरिंग करना। और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी हाल ही फिलहाल में नॉर्दर्न रीजन में एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए यहाँ पे लैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, और जल्दी यहाँ पे प्लांट भी लग जाएगा। और स्टेशन देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, रेलवे स्टेशन है, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ SSP लगाई गई है शंकरगढ़ की, तो मतलब अच्छा लग रहा है। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तो मतलब सफ़र मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है क्योंकि बारिश हो रखी है, तो अलग ही मज़े चल रहे हैं सफ़र के। अभी हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के डभौरा रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी 7:43, और ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। और इस ट्रेन का मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ बताऊं, ट्रेन इससे पहले जो शंकरगढ़ में आई थी वो था उत्तर प्रदेश में, देन ट्रेन आ गई रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, अब इसके बाद ट्रेन मानिकपुर रुकेगी जो कि आता है उत्तर प्रदेश में, देन उसके बाद ये सतना डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, देन वहाँ से ये रीवा पहुँचेगी। सोचिए कितना घूम फिर के जा रही है, या कितने घूम फिर के इसकी पार्टीशन की गई है लैंड की। बहुत ही छोटा है रेलवे स्टेशन है, बहुत ही कम ट्रेनें यहाँ रुकती है, और स्टेशन की हालत भी काफ़ी खस्ता है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही मतलब एक प्रॉपर रूरल टाइप रेलवे स्टेशन है ये, जो कि काफ़ी चीज़ों में लैक करता है, फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पेट्रोनेस काफ़ी मिला है ट्रेन को। कितना ही खूबसूरत ये नज़ारे हैं, और ये पठार। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
मानिकपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक लाइन चली जाती है जबलपुर की तरफ, सतना की तरफ जिस पर हम बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन चली जाती है झांसी की तरफ, और यहाँ पे आती है उत्तर प्रदेश की एकमात्र संपर्क क्रांति मानिकपुर हजरत निजामुद्दीन उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म के लेंथ काफ़ी छोटे हैं, ऑब्वियसली बात है पहले कभी मीटर गेज के ज़माने के रहे होंगे तो उसके बाद कभी अपग्रेड करने की सोची नहीं गई होगी। और स्टेशन की बात की जाए तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जिसका स्टेशन कोड है MKP, और स्टेशन में आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी, फ्रॉम वेटिंग हॉल टू खाने पीने से लेके फ्री वाईफाई तक की फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट ट्रेनों की बात की जाए जो यहाँ पर हॉल्ट लेती है तो उसमें आती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस, पटना LTT, जनता एक्सप्रेस, हमारी आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस, साथ ही साथ सारनाथ एक्सप्रेस जैसी अनेकों ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। तुझसे मिले तो दुआ ये दिल बना है, तेरी बातों की आदत जुबां पे इश्क चढ़ा है, कि तू ना जाने क्या हो गया मैं खो ही गया, होना ना था फिर भी तो फाइनली 11.5 घंटे की जर्नी तय करके हम आ चुके हैं सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन के यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थे 9:40 और अपने करेक्ट टाइम पे आ चुके हैं। अब ट्रेन यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेन यहाँ पे रिवर्सल लेगी और आगे जाएगी रीवा की तरफ, लेकिन मैं अपनी जर्नी को यहीं सतना पे एंड करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। रिमेंबर टू लाइक एंड शेयर दिस कंटेंट, और हाँ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में आपसे, तब तक आप सभी को जय हिंद।